हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो एक आज व्लॉग तो है नहीं है, आज की है वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि कल हमने वीडियो डाली थी और वो वीडियो थी अरमान मलिक के ऊपर, क्योंकि उनकी जो बहन है और उनकी भाभी है तो उनका चैनल छीन लिया है। तो बहुत सारी न्यूज़ भी बनी हुई थी तो इसके ऊपर हमने भी वीडियो बनाई थी और बारे में पता था तो हमने उस वीडियो के अंदर बताया भी था। तो बहुत सारे कमेंट भी आए थे, जैसे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर भी कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारे अपने जो वीडियो है कल की वीडियो में भी कमेंट आ रहे हैं और बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है कि उनके चैनल को मतलब छीन लिया है या क्या हुआ है। किसी का कोई भी मतलब अच्छी तरह से किसी का भी रिप्लाई नहीं आया, मतलब ना तो सपना के चैनल पे आया रिप्लाई और ना ही या क्या नाम उसका सरोज कुलदीप के नाम से चैनल है, कुलदीप के नाम से चैनल है। क्योंकि हमने सिर्फ वीडियो देखी थी, इस वीडियो में आप अंदाजा लगा सकेंगे जैसे कि सपना का चैनल है और सरोज का चैनल है, उनके चैनल पर अभी सपना के चैनल पर लगभग 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए थे, 3 लाख तो ऊपर हो गए थे, 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर प्लस हो गए थे उनके चैनल पर। और जो सरोज के नाम से है, सरोज कुलदीप के नाम से है, जो कि अरमान का भाई है कुलदीप और उसकी भाभी है सरोज, ऐसी है ठीक नहीं है। तो उनका चैनल पर भी 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि आपने तो हुए थे 1 लाख उन्हें केक कट, हाँ तो 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे और अरमान के घर जाकर ही मतलब केक कटिंग हुई थी 1 लाख सब्सक्राइबर की। और अब उनकी न्यूज़ बनी हुई है और ये बात सच भी है, उनका चैनल छीन लिया है और ये सभी न्यूज़ के अंदर भी दिखाया गया है। और हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने दोनों ने अपना चैनल अलग कर लिया है, मतलब सपना ने अपने चैनल खुद एक अलग कर लिया है जिसपे 70,000 कुछ सब्सक्राइबर थे और फिलहाल के टाइम में अभी आप देख सकते हो उसके ऊपर अभी 30,000 प्लस कुछ हो गया है। आपको मैं प्रूफ करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि सबसे पहले आपको दिखाने वाला हूँ सपना का चैनल, क्योंकि सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि प्रूफ क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूफ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो ये देख लिए कि अरमान ने क्या उनको बोला है कि किस वजह से उनका चैनल छीन लिया गया है या क्या कुछ हुआ है। आप सबसे पहले अरमान ने क्या बोला है तो ये वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पर आप साइड में लगा देता हूँ मैं थोड़ी सी, आप इस साइड देख लेना कि क्या बोल रहा है, आप वीडियो सुन सकते हो ठीक है, क्योंकि सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो ये वीडियो देखो कि अरमान जी ने क्या बोला हुआ है। मुस्कान यूट्यूबर थोड़ी थी, सपना यूट्यूबर थोड़ी थी, कालू यूट्यूबर थोड़ी था, सरोज यूट्यूबर थोड़ी थी, मेरी सास थोड़ी थी, ये चीजें अरमान की है, अपने दम पे किसी ने कुछ नहीं किया, जो विरासत है ये चीजें हैं मेरे दम पे उनको मिली और ये कड़वा सच है। और उसकी बदौलत आपको वो उठा के मुंह बोल देते हैं कुछ भी, ब्लॉग चले। तो गाइस, जैसे आपने ये वीडियो सुन ली होगी, अरमान मलिक ने क्या बोला है कि ये जितने भी मतलब यूट्यूबर बने हैं कि मेरी वजह से बने हैं, जैसे कि सपना हो गया और जैसे कि सरोज कुलदीप इनके चैनल पर हो गया और इनके जो सास हैं वो फैमिली चैनल के नाम से हैं, ये सभी मेरी वजह से चले हुए हैं, क्या पता इस वजह से उनके चैनल मतलब छीन लिया, उनको बुरा लगा है। कि ये बात तो सच है, देखो चैनल उसने बनाया है और सपना का चैनल भी उसने बनाया है, उसके भाई के चैनल भी उसने बनाया है, तो चैनल तो कोई भी बना सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है, चैनल तो मैं भी बना देता हूँ, ये भी बना देगी, तो मतलब मेहनत के ऊपर होगा सारा, ठीक नहीं है। तो अगर मानता है राजू है जो वो राजू बनकर नाम का तो मन पता नहीं मुझसे से जो कहन लायक जाएगा भाई और इब सपना उसके मतलब घर भी गई थी तो व्यू तो आएंगे ही, इब इसकी वजह से शायद उनके चैनल छीन लिए गए हैं, मतलब ना तो उनके चैनल पर अब आप देख सकते हो नए चैनल खोल दिए गए हैं दोनों के, सपना का चैनल अलग है और जो मुस्कान के नाम से नया चैनल खुला है सरोज मुस्कान, सरोज मुस्कान आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप सपना का चैनल देख लीजिए, ये है सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हो, स्क्रीन पर सबसे पहले सपना का चैनल है जिस पर 3 लाख सब्सक्राइबर है, आप ध्यान से देख लीजिए, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर चला रखा है यहाँ पर, ये है। इसके बाद आपको दिखा देता हूँ मैं जो कि अभी फिलहाल के टाइम में न्यू चैनल खुला है, तो ये भी देख सकते हो, ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो मैंने चला दिया है, ये इनका है न्यू चैनल जिस पर लगभग अभी 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। और आप एक सपना की वीडियो भी देख सकते हो, मैं ये भी चला देता हूँ, दिखाता हूँ आपको, सब आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, फिर आप अपने कमेंट भी बता सकते हो कि ये बात सच है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले सपने की रिकॉर्डिंग सुन सकते हो।
तो सपना क्या बोल रही है कि मेरे इस चैनल पर मतलब कोई भी सब्सक्राइब ना करे जिस पर 3 लाख सब्सक्राइबर थे, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर थे बहुत मुश्किल है सब्सक्राइबर करना और फिर उनका चैनल सुन जाता है और वो भी आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए आप, तो मेरा वही चैनल है गाइस, उसी को जाकर सब्सक्राइब करो। और जो पुराना चैनल है सपना तन्वी, उस पे मेरी वीडियो नहीं आ रही, उस पे अगर कुछ पोस्ट भी हो रहा है तो हम पोस्ट नहीं कर रहे, पता नहीं कौन कर रहा है, कहीं बोल रहे थे। तो भाई जैसे आपने देख लिया है कि वीडियो में सपना क्या बोल रही है कि मेरा जो 3 लाख वाला सब्सक्राइबर चैनल है ना, वो मतलब वो उस पर वीडियोस नहीं आए, क्योंकि उन्होंने साफ बताया नहीं है कि मेरा चैनल छिन गया है, क्योंकि क्या पता वो अपने लड़ाई को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि 3 लाख सब्सक्राइबर है उसके और उसके चैनल पर कोई भी वीडियोज नहीं आ रही है। बट एक वीडियो आपको स्क्रीनशॉट में दिखा भी दूंगा कि उसके चैनल पर एक वीडियो डली है और उन्होंने साफ बता दिया है कि ये हमारी वीडियो नहीं है, क्योंकि इसका चैनल तो छिन गया है, मतलब इसके भाई ने खोस लिया है, क्या पता क्या होगा, वो अभी मैटर का पता नहीं है। वो आपको मैं बता रहा हूँ कि इससे आप जज कर सकते हो कि क्या हुआ है। इब सपने ने क्या बोला है कि मेरे चैनल को मतलब अनसब्सक्राइब कर देना जो 3 लाख वाला सब्सक्राइबर है। और इब एक वीडियो और आपको दिखाता हूँ कि अरमान मलिक ने क्या बोला है कि उसका चैनल किस वजह से मतलब लोग जाकर उनकी वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि अब 3 लाख वाला सब्सक्राइबर है जिसका जो सपना का है वो अपने छीन लिया है। तो उसका रिप्लाई बताऊं क्या है, वो भी आप वीडियो अरमान सफाई दे रहा उसमें। हाँ, तो उन्होंने बताया कि उनका चैनल है जो वो डीमोनेटाइज हो गया है, मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, क्योंकि उसके अंदर बच्चे को दिखा दिया है कि जो बच्चा वो बिना कपड़े के दिखा दिया है, तो उसकी वजह से उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है। अर्जा की सपना ने बताया भी नहीं कि चैनल पर कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत होती तो सपना बता देता। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत है तो चैनल पर कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये भी प्रूफ आपको दिखा देता हूँ कि चैनल पर क्या दिक्कत नहीं है। अब मैंने उसकी वीडियो को देखा है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एक और प्रूफ दिखा देता हूँ कि अरमान जी ने बोला है कि उनका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, मतलब उसके चैनल से इनकम नहीं हो रही है। और आपको दिखा देता हूँ कि उसके ऊपर ऐड भी चल रही है, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ऐड भी चल रही है बेकायदा, और नो स्किप स्किप वाली ऐड भी चल रही है जिसके ऊपर ऐड चली होती है। वैसे तो यूट्यूब ने बोल रखा है कि सभी के ऊपर ऐड आएंगी, तो बट इस पर मैंने 3 से 4 बार चेक करके देखा है वीडियो चलाकर, तो इसके ऊपर ऐड भी आ रही है, तो इसका मतलब चैनल मोनेटाइज है, तो बात कुछ और है। तो ये आप भी देख सकते हो, ये आपको क्लियर मैंने बिल्कुल कर दिया है। और बात करते हैं दूसरे चैनल की, उसका चैनल क्या नाम है, सरोज मुस्कान के नाम से चैनल है उनका, और उनके चैनल भी आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आपको दिखा देता हूं मैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट से देख सकते हो, वीडियो भी आपको अगर मेरे पास है तो आप वो भी देख सकते हो। उनके चैनल का नाम था कुलदीप के नाम से था, सरोज कुलदीप के नाम से चैनल था, 1 लाख सब्सक्राइबर था, और 1 लाख सब्सक्राइब होने के बाद उनके घर केक कटिंग हुआ था, उस दिन लड़ाई हुई उनकी, उस दिन केक कटा ना वहां में सारे। हाँ, क्या पता क्या बात है। हमारा कहने का मतलब ये है कि साफ साफ हम बता दें कि सब्सक्राइबर गेन करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर उन्होंने कर भी लिया तो उनकी मेहनत है, क्योंकि वो बोल नहीं रहे हैं, क्या पता क्या कारण है, क्या रीज़न है, ना तो ना उन तो उनकी भाभी जी बोल रही है, ना हो सपना जी बोल रहे हैं, मेहनत है उनकी और उनको मजबूरी में उनके न्यू चैनल उनको खोलने पड़ रहे हैं। एक वीडियो में सपना ने ये जरूर बोला है कि चंडीगढ़ से की बार बहुत कुछ सीखा है, तो उसकी बात तो पता चल रहा है, कुछ तो बात है। इब वो अपने खुल के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। अब जो नया चैनल है उनका, उनके शायद उनके 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर है जो कुलदीप ने नया खोला, और दोबारा से उनकी भाभी जी के चैनल पर एक वीडियो आई है, ठीक है ना, जो 1 लाख सब्सक्राइबर है उस पर भी एक वीडियो आई है, और वो जो 17 हज़ार का सब्सक्राइबर है कुलदीप सरोज का, उस पर भी एक वीडियो आई है, वीडियो डाली गई है, मतलब जो 17 हज़ार सब्सक्राइबर वाली है वही वीडियो का सेम की सेम दूसरे चैनल पर डाल दी, क्योंकि उनके हाथ में वो चैनल नहीं है। अब अरमान जी ने पता नहीं क्या बोला, नहीं बोला उसके भाभी जी को, तो उनकी वीडियो आई थी जो कि उनकी भाभी जी ने वीडियो डाली थी कि अरमान जी बहुत अच्छे हैं, फलाना है टिकाना है, फिर उनकी भाभी जी ने बोला कि मतलब चैनल हमारे पास तो है नहीं है, वो है अरमान जी के पास चैनल, और वो 1 हफ्ते के अंदर हमको वापस देंगे। अब बताओ अगर किसी के फ़ोन में चैनल हो तो मैं अपनी पासवर्ड आईडी कहीं भी दे सकता हूँ और चैनल खोल सकता हूँ, वो तो चैनल आप कहीं भी खोल सकते हो, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, पासवर्ड आईडी हमारे पास होना चाहिए। वो ये कह रही कि फोन हमारे पास नहीं है तो फिर क्यों, मतलब अब 1 लाख सब्सक्राइबर, मान लो मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो मैं नया चैनल क्यों क्रिएट करूँगा। अगर नया चैनल क्रिएट भी कर लिया तो अलग से वो चैनल क्रिएट कर रहे हैं जिस पर अच्छी खासी मतलब अब जाके वो मोनेटाइज हुआ है चैनल,
और वो उस पर इनकम अच्छी खासी हो रही है, जिस पर कुलदीप जी अभी फिलहाल के टाइम में उस पर लगातार ब्लॉग डाल रहे थे, तो उसको तो बेच दिया है नशा मुक्ति केंद्र के अंदर, क्योंकि उनके अब आया हाँ वो तो अब एक हफ्ते के लिए आया था, तो मतलब इतना बुरा हुआ है। तो हम तो वीडियोस देखते हैं, देखो हम तो उनके सब्सक्राइब, इतना भी भरोसा ना करो, जो आपका भरोसा टूटे तो बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत ज्यादा, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। आप किसी पे इतना भरोसा कर लेते, इतना भरोसा कर लेते, अगर उसके बारे में कोई कुछ बोलता है ना तो आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। और जब वो भरोसेमंद आदमी आपको कुछ बोलता है ना, वो आपके मुंह पे नहीं पीठ पीछे, जो इतनी गलत बात बोलता है ना, तो वो बस सुन के ना हर किसी का ना दिल इतना रोता, बहुत ज्यादा रोता। अरमान जी के भी मतलब वीडियोस देखते हैं, और सरोज के, सपना के, इन सभी की मतलब इन फैमिली की सारी वीडियोस, क्योंकि हमको अच्छी लगती है, हमें इसी लिए वीडियो बनाई है, क्योंकि हमको बुरा लगा इस चीज़ से कि उनका मतलब चैनल था, मेहनत करने वाले वो थे, सरोज ने खुद मेहनत की है, उनके बच्चे खुद मेहनत कर रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक नहीं है, और सपना और सपने की लड़की है जो, वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, तो हम थोड़ा सा देखने में वो उल्टा लगा, और क्योंकि उनके बोलने से ही पता लग रहा है कि उनको चैनल के साथ कुछ ना कुछ घटना तो हुई है, और वो साफ बिल्कुल दिखाई दे रही है, वो मैटर तो देखो वो खुद बता सकते हैं कि क्या मैटर है, तो हमको ये लगा, तो इस वीडियो में हमने ये बताया कि अगर आप भी कोई कमेंट अपनी राय देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, इसके बारे में बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अच्छा लगा है कि क्या है क्या नहीं है, उनके चैनल छीने हैं कि ना छीने हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट वीडियोस देखने के बाद साफ पता चलता है कि सब पता चल रहा है कि उनके चैनल उनके छिन रहे हैं, तो एकदम से दोनों के चैनल बदल गए, दोनों के न्यू चैनल आ गए। अगर मैं कोई न्यू अपडेट दे दूं ना भाई, हमारे चैनल पे प्रॉब्लम होगी, वीडियो नहीं आवे ना, कोई अपडेट दे रहे हैं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। अब मैंने आपको वैसे तो मैं हर एक बात की अपडेट दे रहा, आज ये हो गया, उसको ये हो गया, बच्चे के ये हो गया, क्या पता किस वजह से, मतलब कोई अपडेट भी नहीं दे रही, मेरे चैनल पे ये प्रॉब्लम है, सरोज ने भी कुछ नहीं बताया और ना ही सपना ने कुछ बताया। अच्छा, अरमान ने बताया था कि चैनल डीमोनेटाइज हो गया, मैंने आपको प्रूफ दे दिया कि कोई डीमोनेटाइज नहीं हुआ, उनके चैनल पर अगर आप भी जाकर देखोगे ना तो अब भी ऐड चल रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सच में तो हमको तो इसी बात से बुरा लगा है कि कोई मेहनत कर रहा है, तो वो अरमान जी ने गलत बोला है इस चीज़ को, और मेहनत करने वाले तो देखो अब नया चैनल खोल दिया है, अब नया चैनल पर इतने अच्छे खासे व्यू आ रहे हैं, जो कि 3 लाख वाले सब्सक्राइबर पर भी इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे थे, जो कि अब नए तरीके से खुले हैं, क्योंकि फेस वैल्यू है तो वो अपने तरीके से ग्रो, तो अपने तरीके से ग्रो जाएंगे, और हमारी जो जो ये वीडियो है किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, और हम इसी बारे में बताना चाहते थे कि किसी को भी मतलब किसी के भी अपनी मेहनत से जो काम कर रहा है उसको करने दो, किसी को चैनल छीन कर कोई भी बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि सिखाने वाले तो बहुत सारे होते हैं, चैनल का कोई भी खोल लेते हैं, तेरे इतने चैनल है बेचारे में क्यों कर दिए। हाँ, तो हमारी वीडियो में तो बस यही बोलने का था, और आपको आपका आपकी क्या राय है तो आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, तो जो भी अपडेट आती है या कोई अच्छी अपडेट आती है उनकी तरफ से तो वो जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे।